जीवन में जितनी बड़ी वजह होती है उतनी बड़ी जीत होती है। एक सवाल, क्या आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? और शायद आपका जवाब होगा हाँ, क्यों नहीं। आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जो असफल होना चाहता है? जीवन में सबको सफलता की जरूरत है, किसी भी कार्य में। और आदमी जी जान से लगा हुआ है उस चीज को सफल बनाने में, अपने आप को सफल बनाने में। लेकिन हर एक इंसान क्या सफल हो सकता है? आपके मन में अक्सर ये डाउट आता ही होगा, आखिर हर एक इंसान सफल क्यों नहीं हो पाता है। हमें अक्सर स्कूलों में पूछा जाता था, बेटा बड़े होके क्या बनोगे? सबके आंसर होते थे, लेकिन वास्तव में जब हम बड़े हो जाते, कॉलेज खत्म कर लेते, तो साधारण सा जॉब करना पड़ता है। उसमें से बहुत कम ही लोग जो उनका बचपन का गोल होता है, लक्ष्य होता है, उस चीज पे काम करते हैं। आखिर क्या वजह है? आज वही सारे वजह हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो शेयर ज्यादा करना। आपके शेयर करने से किसी को उम्मीद मिलता है, हौसला मिलता है जीवन में आगे बढ़ने का। चलिए शुरू करते हैं। जब तक आपके जीवन में कोई बड़ी वजह नहीं होगी और कोई जरूरत नहीं होगी, तब तक आप उस चीज को पाने के लिए प्रयत्न नहीं करोगे, उतना भागोगे नहीं, उतना एफर्ट नहीं करोगे। जिसके जीवन में जितनी बड़ी वजह होती है, उसे उसके जीवन में उतनी बड़ी उसको सफलता मिलती है। हमारी समस्या क्या है, मतलब हम सभी की, उसमें मैं भी हूं, यही कि किसी काम को शुरू तो कर देते हैं मगर कुछ दिनों के बाद उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है इसके बारे में? सीधा सा उत्तर है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास उस काम को करने के लिए कोई वजह नहीं होती, मकसद नहीं होता है, पर्पस नहीं होता है। चलिए एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आखिर वजह और जरूरत क्यों जरूरी होता है जीवन में सफल बनने के लिए। मान लीजिए आपको दौड़ने में दिक्कत होती है, आपका वजन ज़्यादा है या आप भाग नहीं सकते। कोई आपसे कहे 500 मीटर भाग के दिखाओ, तो आप मना कर दोगे क्योंकि कोई वजह ही नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शहर के किसी इलाके में आपके पीछे खोखार कुत्ते पड़ जाते हैं, तो आप वहाँ भी यही बहाना बनाओगे? नहीं ना, वजह साफ है, क्योंकि हमें पता है यहाँ सवाल हमारी जान का है। इससे कीमती कुछ नहीं है इस वक्त, जहाँ हमने 500 मीटर दौड़ने के लिए मना कर दिया था, यहाँ हम 2 किलोमीटर दौड़ जाएंगे बिना किसी बहाने से, बिना किसी सोच विचार से, क्योंकि ये वजह बड़ी है। जितनी बड़ी वजह उतनी बड़ी जीत। एक बात बताऊँ, सफलता के लिए एक चीज चाहिए, दांव पर क्या लगाओगे? आखिर इस जीवन में दांव पे क्या लगाओगे उस चीज को पाने के लिए? जब तक आप जीवन में समय, हो सकता है आप दांव पे समय लगाओ, अपनों से दूर रहने का कष्ट करो। जब तक जीवन में आप दांव पे कुछ नहीं लगाओगे, तब तक जीवन में आप कुछ पा नहीं सकते हो। जब जीवन में वो चीज आप दांव पे लगा देते हो, तो आपका दिल दिमाग एक ही दिशा में चलता है और आपको एनी हाउ वो मंजिल चाहिए ही चाहिए, वो मंजिल को आपको चाहिए चाहिए। जब तक दांव पर कुछ नहीं लगेगा, आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? जब पीछे जाने की या रुक जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो हमारे सामने एक ही ऑप्शन होता है आगे बढ़ने का। अगर हम रुके तो कुछ भी हो सकता है। दशरथ मांझी का नाम तो जरूर सुना होगा, इन पर बॉलीवुड ने मूवी भी बनाई है। आपने नहीं देखा होगा तो जरूर देखिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इसमें दशरथ मांझी की भूमिका अदा की। 22 साल लगा दिए साहब, लेकिन एक छेनी और हथौड़े ने विशाल पहाड़ को तोड़ डाला, चीर डाला। क्यों? क्योंकि दुनिया पागलों ने बदली और वजह बड़ी थी, पर्पस बड़ा था। जब तक पर्पस बड़ा नहीं होता है, कोई काम बड़ा नहीं होता है। जब उनकी पत्नी गर्भवती थी, तो यातायात का कोई साधन नहीं था, उस पहाड़ को क्रॉस करके ही जाना होता था। लेकिन बीच में ही वो हार मान गई और मांझी को अकेला छोड़ चल बसी। तभी मांझी ने ठान लिया, मुझे यहाँ रास्ता निकालना है,
और 22 साल लगे लेकिन सफल जरूर हुए। मजबूत इच्छा शक्ति के साथ सफल हुआ जा सकता है। उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ नवाजा गया। हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इनकी जीवन से। अगर आप भी सफल होना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो तो लक्ष्य के साथ वजह बड़ी रखना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप जरूर इसको लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।